हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ संतोष सर। यूनिक कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी, देखिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट मैं आपने लाया हूँ। जेई और नीट और इलेवेंथ क्लास के लिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। क्या होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एक्सटेंडेड फॉर्म आज हम लोग देखेंगे। क्या होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये पढ़ा था आपने। इसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंजिंग उस पर अप्लाइड फोर्स के अनुसार होता है। अप्लाइड फोर्स को आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे अगर आप इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा, फोर्स को डिक्रीज करोगे मोमेंटम डिक्रीज करेगा। आपको पता है ना मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। आप कैसे जानोगे कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसके स्पीड के चेंज होने से। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में स्पीड में चेंजिंग हो रहा है इसका मतलब वो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। के? क्या हो सकता है, या तो स्पीड इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ये कैसे होगा, क्या विदाउट फोर्स ये ऐसा हो सकता है क्या, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें स्पीड में चेंजिंग आएगा जिससे मोमेंटम चेंज होगा। यही न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा। ओके, बॉडी एक्सेलरेटेड होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। तो आइए इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा वही पढ़ने वाले हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक, ये है क्या, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स भी आप कर सकते हो, ये एक लाइन होता है ना, इसे आपको ध्यान रखना है, एक लाइन याद रखना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का। तो कहा गया कि ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी होगा। आपको पता है ना क्या होता है, पी मोमेंटम वेक्टर, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम पी वेक्टर होता है ना। अब आपको यहां रखना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू के टू, प्रोपोर्शनल तोड़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डी एम बी अपॉन डी टी, या भय कम के लिए के का वैल्यू वन हो जाता है फॉर एयर और भय कम मीडियम के लिए। इसलिए के का वैल्यू कैंसिल हो गया, के नहीं लिखेंगे हम। इसका दो बातें होगी यहां पे, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे डिफ्रेंशिएशन में क्या जानते हो आप, डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है, ये होता है ना डी यू इंटू भी दिया हुआ है अपॉन डी टी लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट होगा
और सेकंड को चेंज करोगे ना, यू कॉन्स्टेंट और भी को आपको चेंज करना है, फिर भी को कॉन्स्टेंट, सेकंड कॉन्स्टेंट होगा फर्स्ट को चेंज करना पड़ेगा, भी कॉन्स्टेंट और डी यू अपॉन डी टी लिखोगे आप। ये किसका फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आता है, इसी के अनुसार इसको शिफ्ट करना है। यहां पर भी तो मास इनटू वेलोसिटी है ना, क्या लिखेंगे आप इसे, एम वी है तो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को चेंज करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, एम कांस्टेंट और डीवी अपॉन डीटी लिखूंगा। तो डीवी अपॉन डीटी तो ए होता है, यानी एम ए होगा, एफ इज इक्वल टू ये आ जाए, क्यों, सिंस डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू ए होता है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला आपको ये मिला, ओके। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट और मास को वेरिएबल करना है, F इज इक्वल टू वेलोसिटी को कांस्टेंट और मास को वेरिएबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। मास वेरी कर रहा है, मास वेरी कर रहा है यहां पे देखिए, तो ये हो जाएगा, ये होगा फोर्स का फॉर्मूला, वी डीएम अपॉन डीटी, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरी करता रहे। ये कंसेप्ट यूज कहां होता है डेली लाइफ में, रॉकेट प्रोपल्शन में होता है, रॉकेट प्रोपल्शन, कन्वेयर बेल्ट, इन सब में होता है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, आप देखते हो ना रॉकेट को मूव करते हुए वो क्या एग्जर्ट करता है ना, वहां से वो क्या मास को एग्जर्ट करता है, उसमें मास वेरी करता रहता है। लेकिन रॉकेट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कभी रॉकेट के स्पीड को देखे हो क्या, कि कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, कभी रुकते हुए कभी बढ़ते हुए देखते हो क्या रॉकेट का स्पीड, नहीं, सेम स्पीड से जाता रहता है। तो वेलोसिटी वहां कांस्टेंट है, मास वेरी कर रहा है वहां, ठीक ना। ये हुई एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इस दोनों फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, आइए इस पर हम लोग एक बेस्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसका यूज होगा कहां पे, यूजेज होगा इसका रॉकेट प्रोपल्शन, या कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में। आखिर इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस फोर्स का इसके अनुसार यूनिट लिखते हो आप, इसका तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू वी डीएम अपॉन डीटी का, वी का तो होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या लिखेंगे, केजी पर सेकेंड लिखेंगे ना, केजी पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर केजी पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। आइए इस पे हम लोग एक बेस्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा तभी हमें ये कंसेप्ट क्लियरिफाई हो पाएगा, ठीक। देखिए अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या होगा इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन।
प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने के कारण हो रहा है ना, लेकिन फोर्स यहाँ वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन क्या है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक यहां पर ऐसे कोई ब्लॉक है, ग्राउंड है, इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें एक्सेशन होगा ना, एक्सेशन आ जाएगा, वो एक्सेशन है कितना, रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेशन है। लेकिन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, यहां पे फोर्स दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड तो आपको मेजर करना पड़ेगा। अब जानते हो मैग्नीट्यूड कैसे, वेक्टर में पड़े होंगे आप, 10 kF है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या करेंगे, कभी क्वेश्चन दिया रहा है तो इसमें प्रॉब्लम अप्रोच ये होता है, फिगर ड्रा सर्टेनली करेंगे, फिगर ड्रा करने आना चाहिए, फिगर ड्रा करेंगे क्या क्या गिवेन है उसे हम नोट करेंगे पहले वहां, फिर सोचेंगे क्या करना है हमें, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा क्या होता है, फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे क्या होगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, यही होगा ना, कितना होगा, 36 प्लस 64 प्लस 100, ये तो 200 हो जाएगा, 200 यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10√2 न्यूटन, इतना फोर्स आया। निकालना क्या है, मास, मास के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सॉरी एम इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ आपको कितना आया, 10√2/√2, रूट टू कैंसिल आ गया, क्या होगा, 10 kg, यही होगा आंसर। असल में ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करते हैं, तो फिगर ड्रा करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार। देखिए क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शनलेस प्लेन भी है, वहां फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस है। चलिए फिगर ड्रा करता हूं मैं, फिगर ड्रा करोगे आप क्या करोगे, यहां एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ग्राउंड मैंने बना दिया, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक है जो 5 kg का है, फाइव केजी का ब्लॉक है, ठीक ना, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब क्या कर रहा है, इट इज स्टक बाय ए जेट, एक जेट के द्वारा स्टक किया जाता है, रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg/s, एक जेट के द्वारा इसको स्टक किया जा रहा है, जेट होता कैसे है, ऐसा है जेट, ये क्या है, जेट है, इससे वाटर स्टक कर रहा है, इसको वाटर रिलीज हो रहा है, देखिए वाटर जो रिलीज हो रहा है उस पर, जैसे आप पाइप से वाटर वाटरिंग करते हो ना, मान लो गार्डन में आप वाटरिंग कर रहे हो ऐसा, तो जेट से वाटर का, वाटर जो एग्जर्ट हो रहा है उसका क्या कोई रेट होगा, वाटर जो एग्जर्ट हो रहा है तो रेट होगा कुछ भी, 3 kg/s, 3 kg/s इसकी यूनिट से आप पहचान जाओ क्या गिवेन है। यहां पे गिवेन है dm/dt इक्वल टू है 3 kg/s, लेकिन यहां से वाटर का स्पीड क्या होगा, वाटर का स्पीड तो कांस्टेंट होगा, इमर्जिंग विद ए स्पीड ऑफ 4 m/s, इस वाटर का स्पीड क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू 4 m/s होगा, और dm/dt भी गिवन है, फोर्स मेजर, कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन मेजर करना है,
इतना ये चीज, ये क्वांटिटी गिवन है, क्या करोगे? वेलोसिटी गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कौन सा कांसेप्ट अप्लाई करोगे? ये अप्लाई करना पड़ेगा, वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया हुआ, ये कांसेप्ट अप्लाई करो, पहले फोर्स मेजर करो फिर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि मास तो गिवन है। तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप? एफ इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी टी। वी बताइए क्या है? फोर, और ये क्या है? थ्री। कितना होगा? 12 न्यूटन। और हमें मेजर करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ है आपका 12 और एम है 12/5, मतलब 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा। यानी जब आप उस ब्लॉक पे वाटर डालोगे तो क्या होगा? वो ब्लॉक स्लिप करेगा आगे, उसका स्पीड बढ़ेगा ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है ना, तो आगे बढ़ता है। आप देखते हो जब भी वाटरिंग करते हो आप पाइप से, तो देखते हो कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब बाहर को मूव करते रहते हैं ना, मूव करने लगता है, वाटरिंग से मूव करने लगता है। तो वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? वो एक्सेलरेशन हमने मेजर किया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन होगा उसका, उसका स्पीड इतना बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट कंसेप्ट हम लोगों ने किया विथ न्यूमेरिकल्स। इसे आप सडनली देखते रहिए और ये वीडियो पॉज करके बार बार इसे देखे समझिए, फिर मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट लाते रहूंगा जेई और नीट के लिए और आपका 11th क्लास के लिए भी ये है। तो अगले टॉपिक को समझने के लिए ये सारे कंसेप्ट पे हमें पकड़ बनाना पड़ेगा। देखते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Dear students, you have earned incomparable, unmatchable, invaluable things. God gifted things inside you. Now, why do you compare with others?